9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसान महापंचायत कर लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी है। पूर्वी राजस्थान के तीनों जिलों में वो किसान महापंचायत कर अब तक शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वो जोधपुर और अजमेर संभाग में किसान महापंचायत के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। पायलट खेमे के वरिष्ठ विधायक विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, मुकेश भांकर और जीआर खटाना सीएम के गृह संभाग जोधपुर और अजमेर में किसान महापंचायत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगले एक दो दिन में इन पंचायतों की तारीख घोषित की जाएगी। अब तक गुर्जर और मीणा बहुल इलाकों में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद पायलट अब जाट बहुल, बाड़मेर, अजमेर और नागौर जिले में अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके बाद जोधपुर जिले में वो उनकी महापंचायत को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार महापंचायतों का दौरा अप्रैल तक पूरा करने के बाद दलित बहुल इलाकों का दौरा करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी कमान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने संभाली है। महापंचायत के जरिए सचिन पायलट एक तरफ तो आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वहीं ये संदेश भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी समाजों में उनकी स्वीकार्यता है। पिछले सप्ताह जयपुर जिले के कोट खवादा में हुई पायलट की किसान महापंचायत में जुटी भीड़ को देखते हुए आलाकमान भी सक्रिय हुआ है। आलाकमान चाहता है कि अब विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद पायलट समर्थक विधायकों को मंत्री और राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से सरकार में जगह दी जाए। इसके लिए प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन एक बार फिर सक्रिय हुए हैं, लेकिन अब उनके शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस की भी नींदें उड़ा दी हैं। सचिन पायलट अपनी रैलियों में बेशक कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हो, लेकिन उनकी सभाएं अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं। पायलट अब तक राज्य में 3 जिलों में महापंचायतों को संबोधित कर चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।